श्री हरिमंदर साहब के मुखी ग्रंथी और धर्म की खातर अपना बंद बंद कटवाण वाले कौम के महान शहीद भाई मनी सिंह जी का शहीदी पर्व अज जिथे पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा और सत्कार मनाया गया उत्थे इस दिहाड़े को समर्पित श्री दरबार साहब परिसर स्थित गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे श्रोमणी कमेटी वालों विशेष धार्मिक दीवान सजाए गए जिस विच पंथ के महान कीर्तनी जथिया कथावाचकों के ढाडिया ने वीर रस गा के संगतों को निहाल किया। चार गुरु साहबान की सेवा का सुभाग हासिल करने वाले भाई मनी सिंह का जन्म सुल्तानपुर के पिंड अलीपुर 1644 होया। दादा भाई बालू राव गुरु हरगोबिंद साहब जी के सेना के सेपा सलार सन। भाई मनी सिंह जी ने भी मात्र 13 साल की उम्र में सातवें गुरु श्री हर राय जी की सेवा दे अपना जीवन लगा दिता। उम्र के आखिरी पड़ाव तक भाई मनी सिंह जी ने 8वीं पातशाही साहब श्री हरकृष्ण 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब जी और 10वीं पातशाही साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की सेवा करते रहे और 10वें पिता के वालों लड़े गए हर युद्ध में वध चढ़ के हिस्सा लिया और पंगियां के युद्ध में विशेष जौहर भी दिखाई। साल 1699 में विसाखी वाले दिन गुरु जी हथों अमृत की दात हासिल करके 43 साल की उम्र में सिंह सजे। 10वें पिता उन्हां दी बहादुरी और उन्हां दी बुद्धिमत्ता तो काफ़ी प्रभावित सन जिस कारण गुरु जी ने 1704 के भाई मनी जी के हथों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की दोबारा रचना करवाई और 1708 के आप जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब का ग्रंथी थापा गया। सचखंड श्री हरिमंदर साहब की रक्षा के लिए आप जी ने कई लड़ाइया लड़िया। साल 1733 विसाखी के एक अवसर से होने वाली सचखंड श्री हरिमंदर साहब के इकत्रता में मुगलों की बदनीति जान के भाई मनी जी ने बले सिंह विसाखी के ना इकट्ठे होने के दिते संदेश के कारण उन्होंने नाराज़ हुए मुगलों के सूबेदार ने भाई जी को गिरफ्तार करके लाहौर लिया तसीहे दिते। भाई जी के पूरे परिवार ने गुरु घर की सेवा में अपने बलिदान दिते। इस लड़ी को अगे तोरद भाई मनी सिंह जी ने सिदक निहारिया और अपना बंद बंद कटवा शहीदी हासिल की। इस महान शहीद का शहीदी पर्व अज पूरे समुचे सिख जगत ने पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा और सत्कार के नाल मनाया। इस दिन समर्पित श्रोमणी कमेटी के वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहब समूह में स्थित गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे विशेष धार्मिक दीवान सजाए गए। बड़ी गिणती में संगत ने समागम में पहुंच के कौम के इस महान शहीद को अपनी श्रद्धा के फुल अर्पित किए। इस मौके कथावाचक ज्ञानी हरमित्तल सिंह ने महान शहीद भाई मनी सिंह जी के शहीदी बारे जानकारी देंदे कहा कि कौम के इन शहीदों की शहीदी तो सीध लैके कौम को सिक्खी स्वरूप के बाणी के नाल बाणी को धारण करने की अपील की। संगत जी, सन 1733 का वाकया जदों हकूमत ने पाबंदी ला दी सी कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब के जेड़े दर्शन ने वह सिख संगत नहीं कर सकती। दिवाली का समा सी, इकट्ठ हुंदा सी दिवाली या विसाखी। सो सन 1733 अक्टूबर की दिवाली सी, भाई मनी सिंह जी ने जेड़ा सुबेग सिंह लौरिया सी उन्हूं विच पा के सोचिया कि जकरीए नाल गल करे अते हरिमंदर साहब के संगतां दर्शन कर सकन। सो आग्या मिली कि 10,000 रुपया तुसीं टैक्स भरो, पैसे दो ते संगतां इत्थे दर्शन कर सकदियां ने। खुल दे दित्ती पर सरकार की नीयत विच खोट सी। भाई मनी सिंह साहब नूं पता लगा जिहड़ा लखपत राय लखू सी ना, इहने जकरीए दे दरबार दे विच पग ला के प्रण कीता सी। कहण लगा एक खत्री ने धर्म चलाया तो एक खत्री धर्म का नाश करे। भाई मनी सिंह जी को पता लगा, भाई साहब जी ने हुक्मनामे लेके सिख संगतों को भेज दिते। जिहड़ियां संगतों को हुक्मनामे गए वो रुक गई, पर जिन्हों को ना गए वो संगतों कुछ रस्ते शहीद कीतियां, कुछ इतने हरिमंदर साहब दर्शन इशनान वेले संगत शहीद कर दिती। सो फिर गल चली, कहन लगे जिहड़ी गल हुई सी पैसों की वो पैसे भरो। भाई मनी सिंह जी कहते पैसे का इकट्ठ तो होया नहीं, पर हुण सरकार की नीयत खोट सी। भाई मनी सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, आप जी के दो पुत्रां समेत इन्हां नूं गिरफ्तार करके लाहौर नखास चौंक के विच लिजांदा गए। लाहौर की संगत आई, लाहौरीए 5,000 रुपया लैके आए। कहण लगे भाई साहब असीं हकूमत नूं पैसे दे के तुहानूं छुड़ा लवांगे। भाई साहब जी कहण लगे संगत जी गल पैसों की नहीं, गल तो सरकार ने सानू खत्म करना है। कि यह ना हो भाई मनी सिंह जी की गल मन के कल सिख साढ़े से चढ़ाई कर जा। सो फतवा जारी किया गया, कह लगे भाई मनी सिंह का बंद बंद कटिया जा। हूँ भाई मनी सिंह जी को संगत ने कहा कि पैसे दे देने, भाई साहब कह लगे कोई लोड़ नहीं इन्हों पैसे संगत दे देन की। कह लगे कि चम लैन वास्ते आए ने, मैं चम नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं बाहर निकल के इन्हों बंद बंद कटता देखागा। ये लग जाए इस नालों वड्डी सेवा हो जी हो सकती है। भाई मनी सिंह जी का जो बंद बंद कट्ट लगा जलाद
उन्हें टोका रखिया गुट ते इतिहास कहता है भाई मनी सिंह जी कह लगे जलाद तू अपने आका का हुक्म भुल गयो। बंद इतों नहीं शुरू होता, बंद तो मेरे एक कोटे तो शुरू होता है। तू अपने मालक का हुक्म मन ते मैं अपने गुरु की सिखी कमावांगा। भाई मनी सिंह के बोल सुन के जलाद कहन लगा तेनों डर नहीं लगता? तो भाई मनी सिंह जी मुस्कुरा पे। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी लिखते हैं भाई साहब जी के बोल सन अंध अंध तू मेरे कातल खंजर जदों चलावेंगा कट कट के तू बंद मेरा धरती जदों विछावेंगा दर्द प्याले जाम दे असी जाम वाग पी जावांगे सुन कातल असी रल मिल दोवे अजब तमाशा लावां। वो जलाद कहन लगा सिखा तेनू दर्द दे प्याले भी जाम दे प्याले लगते ने। ते भाई साहब जी ने उत्तर दिता कि सूल सुराही खंजर प्याला जिसने आख सुनाया है वेंद कसाइया दा सैना जिन्हें साध इश्क दा लाया है उस मुर्शद दे चेले हाँ ये साबित कर दिखलावांगे सुन कातल असी रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। अगों वो जिहड़ा जलाद सी उन्हें नेत्र भर ले। भाई मनी सिंह कहिंदा कि तू मैनू ही सवाल करी जा रहा है जलादा तू दस के तेनू बंद बंद कट के मिलना की है? तो जलाद अखां भर के कहन लगा दो वक्त की रोटी मिले। अगों भाई साहब जी ने उत्तर दिता तेनू तलब रुपये असी जीवन पदवी पावांगे सुन कातल असी रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। अज के दिन नखास चौंक लाहौर विखे भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कट के उन्होंने शहीद किया गया। आशिक हैं जो शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं खिलौना समझ कर जिंदगी को खुशी से फोड़ देते हैं ना तख्तों ताजों ना हूरों की हुसरत है खुदा भी खुदाई दे तो उसे वापस मोड़ देते हैं। भाई मनी सिंह जी की शहादत को कोटान कोट नमस्कार है। गुरु चरणा में अरदास करिए सतगुरु कृपा करन असी उन्होंने पाए हुए पूर्णियां ते चल के असी भी सिखी कमा सकीए। फुलां चुकां दी खिमा करनी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आवाजी कम टीवी अमृतसर तो पत्रकार सुनील कुमार की रिपोर्ट।